हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर्स। तो बैंकों के अलग अलग टाइप के कस्टमर्स होते हैं। कौन कौन से अलग टाइप के कस्टमर्स? जैसे आपके हो गए इंडिविजुअल्स, कोई कंपनी, कोई ट्रस्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अलग अलग टाइप के कस्टमर्स हैं, तो उनके बैंक अकाउंट ओपन करता है। इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के कस्टमर्स हैं, उनके लिए किस टाइप के अकाउंट्स बैंक ओपन करता है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है। तो यही सब हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका इलिटरेट पर्सन और ब्लाइंड पर्सन, ब्लाइंड पर्सन के अकाउंट ओपनिंग वाला जो टॉपिक है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इलिटरेट पर्सन का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे जो हैं, जैसे आपके पर्सनल कस्टमर्स है या अदर कस्टमर्स है या फिर करंट अकाउंट है, तो इन सब के नॉर्म्स, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में एक टॉपिक है आपका लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, LEI, ठीक है। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को शॉर्ट में भी थोड़ा सा बताया। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, इसमें बोला आप बैंक डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स। तो बैंकों को डे टू डे लाइफ में अलग अलग टाइप के कस्टमर से डील करना पड़ता है, जैसे आपके इंडिविजुअल्स हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गई, कंपनीज हो गई, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज हो गई। तो इन्हीं सब इंडिविजुअल अलग अलग टाइप के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बैंकों को जो है उनके लिए बैंकों को अकाउंट ओपन करना रहता है। और बैंकों को जो भी लॉ है, हर किसी के अलग अलग रूल्स हैं, तो बैंकों को उस लॉ के साथ कंप्लाई करना होता है। तो ये बेसिक इसमें इंट्रोडक्शन इसमें हो गया। अब हम पहले बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की, ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट। पहला आता है हमारा अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल अकाउंट का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपको कोई अकाउंट ओपनिंग करनी है या हस्बैंड वाइफ मिलके कोई जॉइंटली अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो सारा हमारा इंडिविजुअल में आ जाएगा। अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स, एन अकाउंट कैन बी ओपन फॉर सिंगल इंडिविजुअल्स और फॉर टू और मोर इंडिविजुअल जॉइंटली। आप चाहे तो मिस्टर ए के लिए अकेले अकाउंट ओपन कर सकते हैं या ए एंड बी मिलके भी जो है जॉइंटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एन इंडिविजुअल शुड बी मेजर बाई एज। तो इंडिविजुअल का अगर आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो वो मेजर होना चाहिए, यानी 18+ होना चाहिए। साउंड माइंड, साउंड माइंड मतलब दिमाग सही होना चाहिए, दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। और इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कि वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में उनका अकाउंट हम लोग नहीं ओपन कर सकते। तो ये कुछ बेसिक हो गया हमारा इंडिविजुअल्स के लिए कि आप किसी इंडिविजुअल्स का सिंगल या किसी और इंडिविजुअल के साथ मिलकर जॉइंटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल है उसका माइंड साउंड होना चाहिए, मतलब सही दिमाग होना चाहिए उसका, कोई पागल ये सब नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए और किसी लॉ के द्वारा उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए, तो उस केस में हम लोग इंडिविजुअल का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब भी बैंक इंडिविजुअल का अकाउंट ओपन करता है तो KYC और इन बाकी की फॉर्मेलिटीज को बैंक ध्यान में रखता है। कई बार इंडिविजुअल क्या है, साउंड माइंड का नहीं है या फिर वो माइनर है, तो उस केस में कोर्ट एक गार्डियन या फिर नेचुरल गार्डियन को यूज करती है अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। और उसमें KYC और बाकी की जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो रेगुलेशन है वो एज इट इज लॉ करता है। नेक्स्ट आपका ज्वाइंट अकाउंट होल्डर। ज्वाइंट अकाउंट मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जो अकाउंट ओपन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट अकाउंट होल्डर। और ज्वाइंट अकाउंट इज अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल। तो दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर अगर अकाउंट ओपन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट अकाउंट होल्डर। ज्वाइंट अकाउंट में अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, डिपेंड ऑन द नीड एंड सिचुएशन डिफरेंट। जैसे आपके ज्वाइंट में ईदर और सर्वाइवर हो जाएगा या ज्वाइंटली हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के मोड ऑफ ऑपरेशंस रहते हैं, डिपेंड करता है कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अलग अलग मोड ऑफ ऑपरेशन जो है ज्वाइंट वाले अकाउंट में अलाउ रहता है। आप चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट, मान लीजिए रेजिडेंट है, मतलब ए एंड बी दोनों ही रेजिडेंट है, तो वो मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई NRI है, वो इंडिया में उसका कोई क्लोज रिलेटिव है, तो उसके साथ मिलकर जो है वो भी एक अकाउंट ओपन कर सकता है। तो NRI भी चाहे तो इंडिया का रेजिडेंट जो कि उसका क्लोज रिलेटिव है, तो NRI अपने क्लोज रिलेटिव के साथ मिलके ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकता है, या दो पर्सन जो कि दोनों के दोनों रेजिडेंट है वो मिलके जो अपना ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यही सब इसमें बोला। अब ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं एक नंबर का, कि क्या NRI जो है ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकता है? तो आंसर है कि हाँ ओपन कर सकता है, बट कंडीशंस क्या है कि जो NRI के साथ जो ज्वाइंट अकाउंट ओपन करेगा ना, तो वो जो है इंडियन होना चाहिए, और दूसरी बात जो NRI का जो साथी है मतलब जिसके साथ मिलके वो अकाउंट ओपन कर रहा है वो इंडियन होना चाहिए और उसका क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम NRI का ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इसमें बताया।
नेक्स्ट है अकाउंट ऑफ इलिटरेट पर्सन, तो इसको लेके भी क्वेश्चन आ जाता है। चैप्टर देखिए बड़ा है, 19 पेज में कवर होगा आपका। और हम क्या करेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट हम आपको साथ साथ बताते चलो कि उन पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखना है, बाकी पॉइंट्स को जैसे आप लोग गो थ्रू, जैसे मैंने एनआरआई वाला ये पॉइंट बताया ना, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वाले पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इलिटरेट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, ये इलिटरेट और आपका ब्लाइंड पर्सन, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनमें भी जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? क्वेश्चंस रहेगा कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती इलिटरेट के लिए, ठीक है? तो ये जो उसकी कंडीशंस दी है इलिटरेट की, ये हमें एटलीस्ट मालूम होनी चाहिए। तो पहला है रूल्स रिलेटेड टू अकाउंट हैव टू बी क्लियरली एक्सप्लेन टू इलिटरेट पर्सन इन लैंग्वेज। तो इलिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या क्या रूल्स है अकाउंट ओपनिंग के, तो जो भी भाषा वो समझता है उसकी भाषा में उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। और जब भी उसको पैसा विड्रॉ करना है ना बैंक से, शी हैज टू पर्सनली कम टू द बैंक विद पासबुक एवरी टाइम। तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि जब भी आप पैसा विड्रॉ करने आओगे तो अपनी पासबुक लेके आना चाहिए। एक और बात, इलिटरेट के लिए आप करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ये वाला पॉइंट आपको नोटिस करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या हम इलिटरेट के लिए करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मतलब इलिटरेट को लेकर 4 स्टेटमेंट रहेगा और बोला जाएगा कि इसमें से कौन सी बात इलिटरेट के लिए सही है, विच इज ट्रू। तो इसमें एक स्टेटमेंट रहेगा कि जैसे मान लीजिए करंट अकाउंट हम इलिटरेट के लिए ओपन कर सकते हैं, तो वो वाली बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलिटरेट के लिए करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट आपको नोटिस करना है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलिटरेट के लिए हम करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, चेकबुक शुड नॉट बी इशू टू हर अंडर एनी सर्कमस्टांस, चाहे इलिटरेट का अकाउंट सिंगल हो या ज्वाइंट हो, दोनों ही केसेस में हम उसको चेकबुक इशू नहीं कर सकते। तो दूसरा नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि हम चेकबुक इशू नहीं कर सकते। पहला नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि जो करंट अकाउंट है वो इलिटरेट के लिए हम नहीं ओपन कर सकते, ठीक है? तो दो पॉइंट्स यहाँ पे समझ में। तीसरा, जो उसका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है उसको लेना चाहिए, क्योंकि साइन इन तो करना उसको नहीं आता होगा, तो इसलिए जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है तो उसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड का जो है थंब इम्प्रेशन रहेंगे, और वो भी बैंक का जो ऑथराइज ऑफिसर है उसके सामने। ऐसा नहीं कि वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में घर से अपने लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लेके आए, ऐसा अलाउ नहीं है। बैंक के ऑफिशियल के सामने ही जो है वो अपना थंब इम्प्रेशन पुट करेगा उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में। और एक तो दो होने चाहिए, एक तो बैंक का ऑफिसर्स और एक पर्सन जिसको बैंक जानता हो, तो मतलब दो विटनेस, एक बैंक का स्टाफ, दूसरा स्टाफ में भी बैंक का ऑफिसर होना चाहिए, और दूसरा कोई भी और पर्सन जिसको बैंक जानता हो, ठीक है? तो उसके सामने ही वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में अपना थंब करेगा, थंब इंप्रेशन पुट करेगा। पासपोर्ट साइज उसका फोटो लेना है, और एक तो उसकी पासबुक में पेस्ट करना है, दूसरा उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में पेस्ट करना है। एवरी विड्रॉल शुड बी ऑरली कन्फर्म बाय द अकाउंट, तो जब भी पैसा विड्रॉ होगा तो हम उससे पूछेंगे, ऑरली उससे कन्फर्मेशन लेंगे कि क्या पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तब हम उसको पैसा विड्रॉ करके देंगे। और मान लीजिए इफ द इलिटरेट डिपॉजिटर इंटेंट टू अलाउ अ लिटरेट पर्सन टू ऑपरेट हिज अकाउंट, ही हैज टू सबमिट एन ऑथराइज कम इंडेमनिटी। मान लीजिए इलिटरेट पर्सन है, मान लीजिए हस्बैंड है इलिटरेट है, और उसकी वाइफ मान लीजिए पढ़ी लिखी है, ठीक है? तो हस्बैंड नहीं पढ़ा लिखा, वाइफ पढ़ी लिखी, और हस्बैंड चाहता है कि उसकी जो वाइफ पढ़ी लिखी है वो उसको अथॉरिटी देगा कि मेरी वाइफ जो है मेरे अकाउंट से पैसा विड्रॉ करें, तो उस केस में हम एक ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर उससे लेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम उसको बताएंगे। और इस केस में भी जो अकाउंट है वो जॉइंटली होना चाहिए, जॉइंटली मतलब दोनों को आना पड़ेगा तभी आप पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। इस केस में जैसे ईदर और सर्वाइवर या इस तरह का अलाउ नहीं रहेगा, सिर्फ जॉइंटली वाला मोड अलाउ होगा। ईदर और सर्वाइवर में क्या है कि वाइफ अकेले आके पैसा विड्रॉ कर सकते, तो वो अलाउ नहीं रहेगा। अगर इलिटरेट चाहता है कि उसका ज्वाइंट अकाउंट किसी लिटरेट पर्सन के साथ मिलकर ओपन किया जाए, तो वो हम अलाउ करेंगे, बट जब भी पैसा विड्रॉ होगा तो दोनों को आना पड़ेगा, यानी मोड ऑफ ऑपरेशन ज्वाइंटली होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इलिटरेट के अकाउंट के लिए जो है सफिशिएंट है, तो ये पॉइंट हमें याद रख के जाने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सारे पॉइंट आप लोगों के साथ कवर किए। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, उसमें बोले जाएंगे कि विच इज ट्रू फॉर इलिटरेट अकाउंट ओपनिंग, तो क्या क्या बातें सही है। तो उसमें ये हो सकता है कि करंट अकाउंट जो है ओपन हो सकता है, नहीं हो सकता, या चेकबुक इश्यू हो सकता है, तो ये पॉइंट हमें याद रख के जाने चाहिए। तो क्या क्या चीज़ हमें याद रखनी है कि जो इलिटरेट पर्सन है उसके लिए हम करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, चेकबुक भी उसको नहीं दे सकते, और अगर हम उसके अकाउंट को किसी के साथ जॉइंटली ओपन करेंगे तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उससे एक ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी का मतलब सेव फ्रॉम लॉस, कि अगर उसकी वजह से बैंक को कोई लॉस हुआ तो कस्टमर बैंक को बचाएगा, ठीक है? तो वो लेटर हमें लेना है। और अगर हम जॉइंटली अकाउंट ओपन करेंगे तो उस केस में वो जो मोड है वो जॉइंटली होना चाहिए, ईदर और सर्वाइवर या ये वाला जो है मोड नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा लिटरेट का इलिटरेट का हो गया। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड पर्सन भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लाइंड पर्सन का आप अकाउंट ओपन करोगे तो क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। तो एक और बात, ब्लाइंड पर्सन को नॉर्मल पर्सन से अलग आपको नहीं मानना, ठीक है? क्योंकि वो ब्लाइंड है, सिर्फ इस बेसिस पे कि वो
उसको चेक नहीं दी जाएगी या ये नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ब्लाइंड पर्सन का अकाउंट नॉर्मल जो पर्सन है ना, जो देख सकता है, बिल्कुल उसके बराबर ही होना चाहिए। बस थोड़ा सा हमें उसमें एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज सारी चीज़ें जो नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग पे अलाउ होती है ना, तो वो आपके ब्लाइंड वाले पे भी अलाउ होते हैं। देर इज नो लीगल बार फॉर पर्सन, तो वही लिखा है कि लीगली तौर पे कोई बार नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है कि वो अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, लेकिन इसमें हमें ड्यू केयर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और क्योंकि उनका जो सिग्नेचर है वो हमेशा सेम नहीं रहेगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए चीटिंग का चांसेस में ज़्यादा रहता है, तो बैंकों को थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। जो उसकी जो ब्लाइंड पर्सन है ना, उसकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेनी है, एक उसके पासबुक पे पेस्ट करनी है और दूसरा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में। सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ ब्लाइंड पर्सन हैज़ टू बी अटैच बाई पर्सन, तो जब भी वो साइन करेगा या थंब इम्प्रेशन पुट करेगा, तो कोई पर्सन जो कि बैंक को जानता हो तो उसके सामने वो ऐसा करेगा। वेयर द ब्रांच मैनेजर इज सेटिस्फाई, ही मे अलाउ ए ब्लाइंड पर्सन टू ऑपरेट द अकाउंट बाई हर सेल्फ और बाई नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ ब्लाइंड पर्सन आफ्टर टेकिंग। तो सेम यही बोला है कि अगर ब्रांच मैनेजर जो है वो सेटिस्फाई है, तो ब्रांच तो ब्लाइंड पर्सन को बोल सकता है कि आप अपना अकाउंट ऑपरेट करो, या उसका कोई रिश्तेदार है तो एक अथॉरिटी का लेटर ले लेगा, और उस केस में उसका रिश्तेदार भी अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। अगर मान लीजिए सिग्नेचर में थोड़ा इनकंसिस्टेंसी, मतलब सिग्नेचर बराबर से मैच नहीं कर रहा, तो उस केस में उसका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन हम लेके उसी से जो है चीज़ों को प्रोसीड आगे करेंगे। और जब भी वो पैसा विड्रॉ करेगा, तो उसकी जो पासबुक है उसको हम एंटर करके उसको बताएंगे कि कितने का ट्रांसफर हुआ है और कितने का बैलेंस उसमें है, ठीक है। तो उसको एंट्री करके भी इसमें देंगे। तो यही आपके ब्लाइंड पर्सन को लेके जो है चीज़ें यहाँ पे इसमें हो। नेक्स्ट आपका माइनर का है, माइनर का हम देखेंगे, पर उससे पहले शॉर्ट में ये जो हमने पड़े हैं, क्योंकि ये आपका ब्लाइंड पर्सन में भी क्वेश्चन बनता है और इलिटरेट में भी बनता है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो देखिए, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स है, जैसे इंडिविजुअल्स हो गया आपका, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, कंपनीज हो गई, कॉरपोरेटिव सोसाइटी हो गई, तो उन सब के अकाउंट बैंकों को ओपन करने रहते हैं। तो उसके लिए बैंक KYC, ठीक है, बाकी की जो फॉर्मेलिटीज है वो बैंक पूरी करता है। पहला हमारे यहाँ पर पर्सनल अकाउंट, तो इंडिविजुअल्स के अकाउंट की यहाँ पे बात की है। तो इंडिविजुअल का अकाउंट आप अकेले भी या दो इंडिविजुअल का मिलकर भी जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल है उसका माइंड साउंड होना चाहिए, मतलब दिमाग पागल नहीं होना चाहिए, और वो इंसॉल्वेंट भी नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस केस में आप उसका प्रॉपर KYC और AML करके जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की बात की है कि दो इंडिविजुअल का मिलकर जो आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि ऐसे सिचुएशंस है, उस हिसाब से आप उस मोड में, जैसे ईदर और सर्वाइवर, ज्वाइंटली अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं ना ज्वाइंट में, तो वो सारे ऑप्शंस इसमें अलाउ रहते हैं। फिर एक और बात बोलिए कि दो इंडिविजुअल रेजिडेंट है वो मिलकर अपना ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या जो NRI है तो वो भी अपने क्लोज रिलेटिव के साथ मिलके जो है ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकता है। पर कंडीशंस क्या है कि NRI का जो दूसरा पार्टनर है ज्वाइंट में, वो इंडियन होना चाहिए और वो उसका क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इस ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि NRI क्या ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकता है, इसको लेकर आपका क्वेश्चन पूछ ले जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करके जाएंगे। फिर इलिटरेट को लेकर कंडीशन है, और नीचे हमने ब्लाइंड को, ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इलिटरेट में क्या क्या कंडीशन है कि जो भी चीज़ें इलिटरेट को क्लियर कट बताएंगे, इलिटरेट का करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चेकबुक भी नहीं दे सकते। जो भी इलिटरेट का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसमें लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन होगा, और जब भी वो लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन पुट करेगा, तो बैंक का ऑफिसर्स और एक पर्सन जिसको बैंक जानता हो, तो उसके सामने, मतलब दो विटनेस होने चाहिए, उसमें से एक बैंक का स्टाफ और दूसरा कोई पर्सन जो कि बैंक को जानता हो। फिर हम क्या करेंगे कि जो उसकी पासपोर्ट साइज जो फोटो है ना, वो उसके एक फोटो तो उसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में पेस्ट करेंगे, दूसरा उसकी पासबुक में करेंगे। अगर इलिटरेट पर्सन चाहता है कि उसका कोई रिश्तेदार है या कोई उसके जैसे हस्बैंड है इलिटरेट, तो वाइफ, इस तरह से अगर वो चाहता है कि कोई इलिटरेट पर्सन उसके अकाउंट को ऑपरेट करे, तो वो भी अलाउ है। उस केस में हमें दो चीज़ें लेनी होगी, एक है ऑथराइजेशन का इंडेमनिटी, ऑथराइजेशन मतलब वो अथॉरिटी दे रहा है कि मेरे बिहाफ पे ये अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। तो उस केस में ये भी अलाउ रहता है। और जब भी वो पैसा विड्रॉ करने आएगा, तो ऑरली हम उसको कन्फर्म करेंगे कि हाँ इतना पैसा विड्रॉ करना है। ये आपकी इलिटरेट को लेके होगी। तो ब्लाइंड पर्सन को लेके क्या क्या कंडीशन है, तो देखिए क्योंकि वो ब्लाइंड है, इस बेसिस पे हम उसको किसी भी टाइप की जो है अकाउंट ओपनिंग में किसी भी सुविधा से वंचित नहीं कर सकते। तो उसको भी नॉर्मल, जैसे अकाउंट ओपनिंग के जो नॉर्मल कस्टमर्स है जो देख सकते हैं, बिल्कुल उसके बराबर ही हमें ट्रीट करना है। बस इसमें थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है कि कोई फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि फ्रॉड का चीट का चांस इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें हमें एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। अदरवाइज इसको नॉर्मल अकाउंट की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। हम क्या करेंगे, जो ब्लाइंड पर्सन है ना, उसका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखेंगे, उसका जो थंब इंप्रेशन या जो सिग्नेचर है तो उसको हम लेके अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। अगर ब्रांच मैनेजर सेटिस्फाई है, तो वो जो आपका ब्लाइंड पर्सन है उसके रिश्तेदार के साथ मिलके भी हम उसको अकाउंट जो है ऑपरेट की परमिशंस दे सकते हैं, बट उस केस में हमें ब्लाइंड पर्सन से एक लेटर ऑफ अथॉरिटी लेना पड़ेगा।
अगर उसके सिग्नेचर में मान लीजिए इनकंसिस्टेंसी है, मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन है तो कुछ उल्टा जो है साइन कर सकता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सेम साइन हो, तो उस केस में उसका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लेके भी हम काम कर सकते हैं। और जब भी वो ट्रांसफर्स करेगा तो उसको एंट्री करके उसकी पासबुक में उसको बताना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ब्लाइंड पर्सन। नेक्स्ट आता है अकाउंट ऑफ माइनर। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, एवरी पर्सन डोमिसाइल इंडिया इंक्लूडिंग ए माइनर फॉर हिम गार्डियन फॉर द सेम और प्रॉपर्टीज अपॉइंटेड बाय अटेंस द एज ऑफ मेजोरिटी। तो वही बोला है कि जो माइनर है उसका एक गार्डियन के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, हम अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो गार्डियन जो है जिसको कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है या नेचुरल गार्डियन भी हो सकता है। जैसे वो मेजोरिटी हासिल करेगा तो वैसे उसकी मर्जी है कि वो गार्डियन के साथ मिलकर कंटिन्यू करना चाहता है या अकेले भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। और इसमें भी प्रॉपर जो केवाईसी की फैसिलिटीज है वो सब हमें देनी होगी। एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, विद ए व्यू टू इनकलेक्टिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग, बैंक अलाउ माइनर अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स टू ओपन एंड ऑपरेट डिपॉजिट अकाउंट। तो देखिए, 10 साल या उससे ऊपर का एज है ना, 10 से ऊपर का एज का जो माइनर है वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, कुछ कंडीशंस के साथ ऑपरेट कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि माइनर कितने साल से ज़्यादा का एज अकाउंट को अकेले ऑपरेट कर सकता है। तो आंसर कितना है, 10 ईयर्स। तो 10 साल के 10 साल का जो ऊपर 10 साल से ऊपर का जो माइनर है ना वो अपने अकाउंट को ऑपरेट और कंटिन्यू कर सकता है। ये पॉइंट आपको याद करके जाना है, 10 ईयर्स। जो माइनर है ना उससे अगर कम है तो फिर जो फादर है उसका नेचुरल गार्डियन होता है, लेकिन आरबीआई ने जो है मदर को भी अलाउ किया कि फादर या मदर जो है उसके नेचुरल गार्डियन हो सकते हैं। एक और बात, स्टेप फादर स्टेप मदर जो है नेचुरल गार्डियन नहीं हो सकते। नॉर्मल फादर मदर अलाउड है, बट स्टेप फादर स्टेप मदर उसके नेचुरल गार्डियन नहीं हो सकते। जो माइनर है वो लिटरेट नहीं होना चाहिए, मतलब इलिटरेट नहीं होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। दो माइनर मिलके आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं, मतलब एक माइनर और दोनों माइनर मिलके आपने उनका ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया वो अलाउ नहीं रहता। तो दो चीज़ यहाँ पे जरूरी है कि माइनर इलिटरेट नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा, दो माइनर मिलके आप एक ज्वाइंट अकाउंट उनका ओपन नहीं कर सकते। आरबीआई ने यह भी बोला है कि जो माइनर है ना उसको आप इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड ये सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि उसका अकाउंट ओवरड्राफ्ट ना हो, मतलब ओडी इस तरह की सुविधा नहीं दी जाएगी। ओडी क्या हो गया, ये एक टाइप का लोन हो गया, ठीक है। अगर आपने लोन दिया तो आप लोग जानते हैं ना कि माइनर के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो लोन की रिकवरी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता कानूनी तौर पर। तो क्योंकि रिकवरी नहीं हो पाएगी इसीलिए हम इंटरनेट, एटीएम, डेबिट कार्ड सब कुछ इशू कर देंगे, बट उसका अकाउंट ओवरड्राफ्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके माइनर के अकाउंट को लेके इसमें होगी। क्या रूल है माइनर के अकाउंट को लेके, तो वही बोला है कि जो माइनर का अकाउंट है वो ओवरड्राफ्ट नहीं होना चाहिए। और एक और बात, क्या माइनर कोई चेक को ड्रॉ कर सकता है, कर सकता है। तो सेक्शन 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोवाइड दैट माइनर ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवरी, नेगोशिएट एंड नेगोशिएबल, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करना, इंडोर्स करना, डिलीवर करना, ये सब जो है माइनर को अलाउ है, इसलिए वो चेक को भी जो है ड्रॉ कर सकता है। जैसे ही माइनर जो है मेजर बन जाता है, ऑन द माइनर अटेनिंग मेजोरिटी द गार्डियन इज नॉट अलाउड टू ऑपरेट द अकाउंट एनी फर्दर विदाउट। तो जैसे माइनर मेजर बन गया तो 18+ हो जाने के बाद गार्डियन का कोई हक नहीं है, ठीक है। और बिना माइनर की परमिशन, अब तो मेजर बन गया, बिना उसकी परमिशन के गार्डन कुछ भी उसके अकाउंट में एक्टिविटी नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए माइनर की डेथ हो जाती है तो जो गार्डियन है उसको उसका अकाउंट क्लोज करना रहता है। बैंक आर फ्री टू फिक्स द मिनिमम एज एट विच दे विल अलाउ माइनर टू ऑपरेट। तो बैंक जो है खुद से डिसाइड कर सकता था मिनिमम कितना एज होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट होकर अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सके। एक और बात, जैसे ही आपका माइनर मेजर हो जाता है, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी जो माइनर है ही शुड कंफर्म द बैलेंस इन आर अकाउंट फ्रेश। तो जैसे माइनर मेजर हो गया तो उसका बैलेंस अब उसको बताएंगे और उससे नई इंस्ट्रक्शंस लेंगे कि क्या वो गार्डन के साथ ज्वाइंटली चाहता है या अकेले चाहता है, तो उसका सिग्नेचर सब कुछ फ्रेशली लेके उसको हम रिकॉर्ड पे रखेंगे। अगर मान लीजिए गार्डन की डेथ हो जाती है, माइनर है और माइनर के मान लीजिए पेरेंट्स हैं, मम्मी या पापा, या उनकी डेथ हो जाती है, तो गार्डियन की डेथ हो जाती है तो हम जो बैलेंस अमाउंट है माइनर को पे करेंगे, पर कब, जब वो मेजर हो जाएगा तभी हम उसको पे करेंगे, ठीक है। तो ये आपके माइनर को लेके कुछ कंडीशंस इसमें हो। तो माइनर का टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखेंगे अकाउंट ऑफ अदर कस्टमर, पर उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो माइनर को लेके कौन कौन सी कंडीशंस है, कि उसका अकाउंट ओवरड्रॉ नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि जो माइनर है जैसे ही वो मेजर हो जाता है तो जैसे ही वो मेजर हो गया तो फिर गार्डियन का कोई हक नहीं है, बिना माइनर की परमिशन के गार्डियन उसके अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो माइनर था तो गार्डियन ने उसके अकाउंट को ऑपरेट करना था, पर जैसे ही माइनर मेजर हो जाएगा तो गार्डियन का कोई हक नहीं है, बिना माइनर से पूछे गार्डियन कुछ भी नहीं कर सकता।
मिनिमम एज लिमिट कितना है कि कस्टमर इंडिपेंडेंटली अकाउंट को ऑपरेट कर सके, तो बैंक खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माइनर मेजर हो जाएगा तो उसको हम बैलेंस बताएंगे और नया उसको इंस्ट्रक्शन, मतलब नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म उसको लेके नया सिग्नेचर जो है हम रिकॉर्ड में रखेंगे। इफ़ गार्डियन डाइज ड्यूरिंग द, तो मान लीजिए माइनर अभी माइनर ही है और उस दौरान उसके गार्डियन, जैसे पेरेंट्स मम्मी या पापा गार्डियन थे, तो उनकी डेथ हो गई, फादर की हो गई, मदर की होगी, जो भी उसका गार्डियन था, तो उस केस में वो पैसा माइनर को पे करेंगे, बट जो वो मेजर होगा ना तभी हम उसको पे करेंगे, पहले नहीं पे करेंगे। ठीक है, तो माइनर को लेके बेसिक चीज़ें। फिर यहाँ पे माइनर को लेके बताया हुआ है कि जो माइनर है, मेजोरिटी एक्ट 1875 के हिसाब से बोला है कि कोई भी पर्सन जो है इंक्लूडिंग माइनर, तो वो गार्डियन के साथ मिलके जो है अकाउंट ओपन कर सकता है। और 10 साल से ऊपर के जो माइनर है ना, उनके लिए आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ये इसीलिए ताकि सेविंग की हैबिट माइनर में बनी रहे। जनरली फादर जो है गार्डियन होता है, बट आरबीआई ने मदर को भी अलाउ किया कि वो भी नेचुरल गार्डियन बन सकती है। माइनर को आप सारी सुविधाएं दे सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्या माइनर को डेबिट कार्ड, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग दिया जा सकता है, तो आंसर है यस, लेकिन उसका जो अकाउंट है वो ओवरड्रॉन नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद करके जाना चाहिए। फिर माइनर के बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, ब्लाइंड पर्सन वाला तो हम लोगों ने रिवाइज कर लिया था ना कि ब्लाइंड पर्सन को लेके क्या क्या कंडीशंस है। और ठीक है, ब्लाइंड वाला हो गया, और माइनर की तो जो बेसिक कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी। जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपको वो याद करके जाने हैं कि जो माइनर है, यहाँ पे मैंने लिखा भी इंपॉर्टेंट, उसको एटीएम, डेबिट, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मिल सकती है, तो आंसर है यस। मिनिमम 10 ईयर जो क्रॉस करता है ना उसके बाद उसको जो माइनर है वो अपना इंडिपेंडेंट अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये दो पॉइंट आपको याद करना है, एक तो पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, इन दो पॉइंट्स में से माइनर को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसको क्या ये इंटरनेट, चेकबुक, ये सारी सुविधाएं दी जा सकती है, तो आंसर है यस, लेकिन उसका अकाउंट ओवरड्रॉ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता हमारा अकाउंट्स ऑफ अदर कस्टमर। तो यहाँ हमने माइनर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, अभी तक माइनर के बाद हमने ब्लाइंड के बारे में पढ़ा, फिर हमने इलिटरेट के बारे में पढ़ा, फिर हमने नॉर्मल इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा। ये तो नॉर्मल हमारे इंडिविजुअल्स थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अदर कस्टमर, अदर मतलब इनके अलावा, जैसे आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गया, तो उन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला आता हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बनने के लिए क्या होगा, ये मतलब फैमिली टू फैमिली ये हो सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम इसका पार्ट नहीं बन सकते, तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो है इसके मेंबर्स बन सकते हैं। इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली द बिजनेस इज इन, तो इसमें जो काम है वो इनहेरिटेबल है, मतलब दादा फिर उनके बच्चे, इस तरह से जो है बिजनेस और चीज़ें चलती हैं। वेयर हिंदू डाइज लीविंग ए बिजनेस इट पास ऑन टू द लीगल हेयर, तो मान लीजिए कोई हिंदू की डेथ हो जाती है तो कोई भी उसका बिजनेस है तो उसके जो लीगल हेयर है ये बिजनेस उसको पास हो जाता है। और अगर उसके मेल चिल्ड्रन है, मान लीजिए इफ़ ही लिव्स मेल चिल्ड्रन इट डिसेंडेंट टू देम एंड द प्रॉपर्टी बिकम्स ए हिंदू, मान लीजिए उसके मेल चिल्ड्रन है, बेटे हैं मान लीजिए, तो प्रॉपर्टी उनको मिल जाती है। और जो इसके मेंबर्स हैं, जो बाकी के मेंबर्स हैं, उसको को पार्टनर्स बोला जाता है, और जो एल्डर है, सबसे बड़ा मेल चाइल्ड है, उसको मैनेजर या कर्ता बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कर्ता कौन है, जो एल्डर सबसे बड़ा मेल चाइल्ड है उसको बोलते हैं कर्ता, और बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं उसको बोला जाता है को पार्टनर्स। और 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ, उसके हिसाब से जो हिंदू एक अमेंडमेंट किया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में, और उसमें बोला गया डॉटर्स वेयर वेदर मैरिड और अनमैरिड आर रिकॉग्नाइज, डॉटर बेटी चाहे उसकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो उसको भी को पार्सल्स माना जाएगा। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने बोला द एल्डेस्ट फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बी इट्स कर्ता इन, तो सबसे बड़ी जो फीमेल चाइल्ड डॉटर है उसको भी जो है कर्ता माना जा सकता है। ये दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट में केस आया था, तो उसी के दौरान ये सुनवाई में बोला गया था। जब भी कोई अकाउंट ओपनिंग आप करते हैं ना हिंदू अनएडेड फैमिली, ऑल द एडल्ट मेंबर्स हैव टू साइन इवन दो द कर्ता वुड ऑपरेट, तो जब भी आप अकाउंट ओपनिंग करोगे तो जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं सबको साइन करना पड़ेगा, ऑपरेट तो करता ही करेगा बट सिग्नेचर सभी का चाहिए रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग है रूल्स फॉर ओपनिंग, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो क्या क्या इसमें रूल है। तो जो कर्ता है, कर्ता हमने देखा ना सबसे बड़ा जो मेल मेंबर है फैमिली का, तो जो कर्ता है उसकी अथॉरिटी है कि वो लोन ले सकता है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको साइन करने का, जो एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, कर्ता। तो जो भी लोन डॉक्यूमेंट्स है उसमें पूरी फैमिली के को पार्टनर सभी के साइन नहीं होंगे, सिर्फ कर्ता को साइन करना रहेगा। फिर बोल रहे सेफ साइड में रहने के लिए जो लोन डॉक्यूमेंट्स है जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं उन सबके साइन उसमें लेने चाहिए। जो करता है ना उसके पास पावर होती है कि वो असेट्स को ट्रांसफर कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स फॉर ओपनिंग ऑफ
जब भी आप हिंदू अनएडेड फैमिली का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो एक तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए रहेगा, जिसमें जितने भी एडल्ट मेंबर है सभी के साइन, जनरली कर्ता के लेते हैं बट सेफ साइड में रहने के लिए हम जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं 18+ जो भी है सबके हम लोग साइन ले लेते हैं। कर्ता का स्पेसिमन सिग्नेचर, स्पेसिमन सिग्नेचर जानते हैं ना, जब भी कोई ट्रांसफर होगी तो उसका साइन हमें लगेगा, तो वही सब स्पेसिमन सिग्नेचर होता है। तो कर्ता का स्पेसिमन सिग्नेचर फॉर्म लेना और उसको सिस्टम में अपलोड करना है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली लेटर साइन बाय द, एक हिंदू फैमिली लेटर कि हाँ हम हिंदू अनवेडेड फैमिली के मेंबर्स हैं, तो वो लेटर जिसमें अडल्ट मेंबर्स के साइन है उसको भी रिकॉर्ड में रखना है। इन केस हिंदू अनवेडेड फैमिली, मान लीजिए इस फैमिली में एक माइनर है, माइनर मेंबर है, तो जो नेचुरल गार्डियन है उसको माइनर के बिहाफ पे साइन करना रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोलिए, ये तो बेसिक है। इसके अलावा जो KYC है, जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है, वो तो हमें चाहिए ही रहेगा। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया हिंदू अनवेडेड फैमिली। नेक्स्ट है आपका सोल प्रोपर्टरशिप फॉर्म। तो हिंदू अनवेडेड फैमिली के बारे में बेसिक बेसिक हमें इसमें पता लग गया कि इसमें क्या क्या चाहिए रहता है। अगला टॉपिक है सोल प्रोपर्टरशिप फॉर्म। देखिए सोल प्रोपर्टरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है, मतलब जिसका मालिक सिंगल है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है ए और उसने क्या किया, कंपनी खोल ली, तो उसका मालिक सिर्फ ए है, सिंगल पर्सन, तो उसी को बोला जाता है प्रोपर्टरशिप फॉर्म। जिसका मालिक, जिसका ऑनर सिंगल पर्सन होता है उसी को बोलते हैं प्रोपर्टरशिप फॉर्म। क्योंकि मालिक सिंगल है तो उस केस में उसकी कंपनी और उस इंडिविजुअल में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता, उसको सेम माना जाता है। तो वही लाइन लिखी है, द लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्रोपर्टर एंड प्रोपर्टरशिप कंसर्न्स। तो उसकी कंपनी और प्रोपर्टर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता है, और इसीलिए जो प्रोपर्टरशिप फॉर्म का जो अकाउंट है ना उसको इंडिविजुअल अकाउंट की तरह माना जाता है। तो वही इसमें बोला है, हाउएवर सेविंग अकाउंट कैन नॉट बी ओपन इन द नेम। तो प्रोपर्टरशिप जो फॉर्म का अकाउंट है उसको इंडिविजुअल अकाउंट माना जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि सेविंग बैंक को आप लोग प्रोपर्टरशिप फॉर्म बोलेंगे, ऐसा नहीं है। पर प्रोपर्टरशिप मतलब सेविंग को आप लोग प्रोपर्टरशिप फॉर्म नहीं बोल सकते, लेकिन प्रोपर्टरशिप को आप सेविंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेविंग वाला जो अकाउंट है उसको प्रोपर्टरशिप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट जो प्रोपर्टरशिप का अकाउंट है उसको सेविंग या इंडिविजुअल अकाउंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। क्या क्या रूल्स है इसमें, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है प्रोपर्टरशिप फॉर्म के अकाउंट है उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, तो प्रोपर्टर को मतलब जो उसका अकेला मालिक है उसको साइन करना रहेगा, उसको डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी, और जो प्रोपर्टरशिप फॉर्म के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें प्रोपर्टर को साइन करना रहेगा। जो चेक है ना, चेक, चेक शुड बी साइन इन द नेम, तो चेक भी प्रोपर्टरशिप फॉर्म के नाम में ही साइन की जानी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए। डॉक्यूमेंट्स फॉर ओपनिंग ऑफ प्रोपर्टरशिप फॉर्म अकाउंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रहेंगे। करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, तो करंट अकाउंट ये जो प्रोपर्टरशिप फॉर्म का अकाउंट होगा वो करंट अकाउंट होगा, ठीक है, तो उसमें प्रोपर्टर के साइन रहने चाहिए। स्पेसिमन सिग्नेचर, स्पेसिमन सिग्नेचर मतलब जैसे आप लोग अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो स्पेसिमन सिग्नेचर से क्या होगा कि कस्टमर का यहाँ पे साइन लगता है और उसी को हम लोग अपलोड करते हैं। तो फ्यूचर में कोई भी चेक लिप कुछ भी दिया जाएगा तो स्पेसिमन सिग्नेचर में जो साइन होगा, जो हमारे सिस्टम में होगा, मैच किया जाएगा। अगर साइन मैच करता है तभी आप उसको पैसा दे सकते हो। तो स्पेसिमन सिग्नेचर में भी प्रोपर्टर के जो है साइन होने चाहिए, और उसका एक डिक्लेरेशन लेटर वो भी हमें लेना चाहिए। तो यही बेसिक चीजें इसमें बोलिए। नेक्स्ट आता है आपका पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनर मतलब दो लोग मिलके, मिनिमम दो लोग मिलके कोई कंपनी खोलते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। प्रोपर्टरशिप फॉर्म तो बिल्कुल सिंपल है, पार्टनरशिप फॉर्म मतलब दो लोग मिलकर अगर कोई कंपनी खोल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। तो सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में 1932 में डिफाइन किया गया पार्टनरशिप का मतलब क्या है, कि दो लोग मिलकर किसी प्रॉफिट पर्पज के लिए कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसके लिए क्या क्या रूल्स है उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो बहुत ज्यादा ये रूल याद रखने का जरूरत नहीं है, और अगर मान लीजिए पार्टनरशिप हमें ना जो रजिस्ट्रेशन है ना वो ऑप्शनल है, मतलब आप चाहे तो रजिस्टर करा सकते हैं अदरवाइज नहीं भी करा सकते। पर ज्यादातर कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है ना उन्हीं को बैंक लोन देती है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म के खिलाफ बैंक कुछ भी, मान लीजिए उन्होंने ओवरड्यू किया तो बैंक कुछ भी करके उनके खिलाफ जो है रिकवरी के लिए कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। तो जो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड होती है उन्हीं को बैंक लोन ये सब दे सकती है, और जो पार्टनरशिप की कॉपी है वो उससे लेनी चाहिए, और जो पार्टनर्स है उन सभी के साइन लेने चाहिए। और कोई भी चेक अगर पार्टनरशिप फॉर्म ने दिया है तो उसके जो पार्टनर्स हैं या जो उसके एम्प्लॉय हैं उनके अकाउंट में उस चेक की पेमेंट नहीं भेजी जा सकती। पार्टनर एक तरह से एजेंट होते हैं एक दूसरे के, जितने भी जैसे मान लीजिए ए बी या सी पार्टनर्स है तो ए बी का एजेंट, वो एक दूसरे का एजेंट बनके जो है काम करते हैं। अगर मान लीजिए कोई नया पार्टनर ऐड हो रहा है, कोई नया पार्टनर ऐड हो रहा है तो पुराना जो अकाउंट है उसको कंटिन्यू किया जाएगा अगर बैलेंस क्रेडिट में है। लेकिन अगर बैलेंस डेबिट में है, क्रेडिट बैलेंस मतलब उसमें अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो उस केस में अकाउंट को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है माइनस में तो उस पुराने अकाउंट को हमें फ्रीज करना पड़ेगा और एक नया अकाउंट ओपन करना रहेगा। अगर मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, यानी पार्टनरशिप फॉर्म ही डिसॉल्व होगी, उसकी अब एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी और जो भी अकाउंट में ऑपरेशन है उसको हमें स्टॉप करना पड़ेगा।
नो पार्टनर हैज अ पावर, तो जो पार्टनरशिप उनके पार्टनर्स हैं उनकी पावर नहीं होती है कि वो अपने नाम पे जो है पैसा अपने नाम पे जो है अकाउंट को ओपन कर ले, वो खुद के नाम पे नहीं ओपन कर सकते। ठीक है, एक और बात, कोई भी पार्टनर उसके पास पावर होती है कि काउंटरमेंट का मतलब होता है रोक लगा देगा। तो चेक मान लीजिए दूसरे पार्टनर ने, ए बी सी तीन पार्टनर है, और मान लीजिए ए ने कोई चेक क्लिप चेक जो है भेजा, तो ए ने चेक भेजा तो बाकी बी या सी के पास पूरा राइट है कि इस चेक की पेमेंट को स्टॉप करा सकते हैं। ठीक है, तो काउंटरमेंट मतलब पेमेंट स्टॉप करने की जो इंस्ट्रक्शन है वो देने की परमिशन सभी की रहती है, क्योंकि सभी का बराबर हक है पैसों में। तो ए ने कोई चेक दिया तो बी और सी का राइट है कि कभी भी उस चेक की पेमेंट को वो स्टॉप करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ यहाँ पे इसमें हो गई। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो रिटायर होने के बाद जो अकाउंट है उसको स्टॉप करना रहेगा। ठीक है, स्टॉप करना पड़ेगा, फिर एक नया अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। तो कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो भी पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो जाती है, अकाउंट को स्टॉप करके एक नया अकाउंट ओपन करना होता है। और कोई नया पार्टनर ऐड हो रहा है तो अगर बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन डेबिट बैलेंस है तो उस अकाउंट को फ्रीज करके एक नया अकाउंट ओपन करेंगे। और वैसे कोई पार्टनर रिटायर होगा तो भी हम एक नया अकाउंट ओपन करके देंगे और पुराने अकाउंट को हम लोग फ्रीज कर देंगे। फिर पार्टनरशिप हमके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे, तो बिल्कुल जैसा आपका प्रपराइटरशिप फॉर्म था ना, सेम वैसे ही है कि करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जिसमें सभी पार्टनर्स के साइन रहेंगे, स्पेसिमेन की जितने भी पार्टनर्स उनके साइन इसमें रहेंगे, पार्टनरशिप लेटर होना चाहिए, पार्टनरशिप डेट रहना चाहिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सारी के सारे इंस्ट्रक्शंस कि कौन अकाउंट को ऑपरेट करेगा। तो कई बार होता है कि सभी पार्टनर्स मिलकर ऑपरेट करेंगे या सभी पार्टनर्स किसी एक को अथॉरिटी देते हैं कि वो करेगा, तो वो चीज़ होनी चाहिए। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका पैन नंबर चाहिए रहेगा, और जो केवाईसी है सर सभी पार्टनर्स की वो तो चाहिए ही रहेगी। तो इसके साथ आपका पार्टनरशिप का जो टॉपिक है ये भी यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गया। तो पार्टनरशिप को लेके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो मैं याद रखना है, पार्टनरशिप डेट चाहिए रहेगा और स्पेसिमेन सिग्नेचर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, और सर अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप फॉर्म का पैन नंबर। तो ये सारे जो है बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो कि हमें कस्टमर से लेने रहेंगे। चलिए काम करते हैं, ये पार्टनरशिप फॉर्म तक तो हो गया ना, इसको आपका जो अगला है ना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसको हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आपका 30 हो गया, तो 35 मिनट से या 40 मिनट से अगर लेट वीडियो हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, बहुत बड़ा वीडियो। तो कोशिश करते हैं इसी वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने का। नेक्स्ट हमारा सोल प्रोपराइटरशिप फर्म, मतलब जिसका मालिक सिंगल होता है और इसमें प्रोपराइटर जो है उसका सिंगल मालिक और प्रोपराइटरशिप फर्म उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, दोनों को सेम ही माना जाता है। ठीक है, तो क्या क्या रूल है, जो प्रोपराइटरशिप फर्म है उस पर जो आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उस पर उस प्रोपराइटर को साइन करना रहेगा और उसको एक डिक्लेरेशन देना होगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें प्रोपराइटरशिप फर्म में प्रोपराइटर के साइन करने होंगे, और जो चेक है चेक में भी प्रोपराइटरशिप फर्म में जो है जो चेक इशू किया गया है तो चेक शुड बी साइन इन द नेम ऑफ, तो जो चेक इशू करेगा प्रोपराइटरशिप फॉर्म वो उसी के नाम पे होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे, करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जिसको प्रोपराइटर साइन करेगा, स्पेसिमेन सिग्नेचर, स्पेसिमेन सिग्नेचर मतलब जिसको हम सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी कस्टमर जो प्रोपराइटरशिप फॉर्म है वो कोई चेक देगी तो हम साइन मैच करेंगे और उस हिसाब से हम इसमें पेमेंट करेंगे। फिर पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके हिसाब से इसको स्टैब्लिश किया जाता है, दो लोग मिलके कम से कम जो है पार्टनरशिप फॉर्म को बनाते हैं, ये रजिस्टर्ड भी हो सकती है अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। तो जो रजिस्टर्ड वाली पार्टनरशिप फॉर्म है ना उसी को बैंक लोन देता है, क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड है ना उसको वो जो पार्टनरशिप फॉर्म है कहीं पर भी वो क्लेम नहीं कर सकती, मतलब उसने मान लीजिए ओवरड्यू किया तो बैंक उसके खिलाफ कहीं कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि अनरजिस्टर्ड जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको लीगली एक एंटिटी नहीं माना जाता, इसी वजह से ऐसा रहता। रूल फॉर ओपनिंग एंड जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसके क्या रूल है, एक तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन का कॉपी चाहिए रहेगा, जो पार्टनर्स हैं उनको जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसके बिहाफ पे साइन करना रहेगा ना कि इंडिविजुअल के बिहाफ पे, और जो चेक की पेमेंट है ना वो किसी भी पार्टनर्स के अकाउंट में नहीं जा सकती है, और जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं, और जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म में किसी पर्सन को ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए ए और बी दो है और सी भी उनका पार्टनर बनना चाह रहा है, तो पुराने अकाउंट को आप कंटिन्यू कर पाएंगे अगर पुराना आपका बैलेंस क्रेडिट में मतलब प्लस में बैलेंस है, अगर मान लीजिए ओवरड्यू है नेगेटिव में बैलेंस है जिसको हम डेबिट बोलते हैं, तो उसके से पुराने अकाउंट को फ्रीज करेंगे और एक नया अकाउंट ओपन करेंगे। एक पार्टनर की भी डेथ हो जाती है तो जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, और कोई भी पार्टनर जो है अपने नाम पे जो है अकाउंट नहीं ओपन कर सकता पार्टनरशिप फॉर्म के, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के बिहा पे वो चाहता है कि फॉर्म के बिहा पे मैं अपने नाम पे अकाउंट ओपन करूँ, तो वो इसमें अलाउ नहीं रहता। कोई भी पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के जो चेक ड्रॉ किए गए ना तो उनको स्टॉप करने की ताकत रखता है, तो मान लीजिए ए बी सी है, सी ने कोई चेक भेजा है तो ए के पास पावर है कि उसको स्टॉप करा सकता है।
एक पार्टनर अगर रिटायर हो गया तो वो जो ऑपरेशन है उसको स्टॉप करना रहेगा, और फिर हम क्या करेंगे, एक नया अकाउंट उनके लिए, जो बाकी के बच्चे हैं ना, तो उनके लिए एक नया अकाउंट ओपन करेंगे। फिर पार्टनरशिप हम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे, तो वही अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए रहेगा, स्पेसिमन सिग्नेचर कि कौन कौन पार्टनर्स, मतलब कई बार ऐसा होता है कि तीन पार्टनर्स है एबीसी, तो उन्होंने बोला कि ए के साइन ही है ना, तो ये किसी के, उसमें तीनों के चाहिए रहेंगे, तो इसलिए हमें स्पेसिमन सिग्नेचर लेना पड़ेगा। पार्टनरशिप लेटर और पार्टनरशिप डेड हमें चाहिए होगी, अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन नंबर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म का, ये सारे इसमें चाहिए रहेंगे। ऐसे आता है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसको हम लोग पार्ट टू से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।